अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्सचर्ड वॉल आर्ट डेकोरेशन पीस बनाएंगे। ये DIY वॉल आर्ट पीस बहुत ही आसानी से सिर्फ कुछ ही चीज़ों से बन सकता है। इनमें से ज़्यादातर तो आपको आपके घर से ही मिल जाएंगी, और अगर इसमें लगने वाले आइटम्स आपको बाहर से भी ख़रीदने पड़ जाएँ, तमाम आइटम्स बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल हैं। और अगर आपको मार्केट से नहीं मिलते तो आप दराज पर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले, फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो द नोटिफिकेशन बेल टू आल्सो यू डोंट मिस एन अपडेट एनी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले हमें जूट रोप चाहिए होगी। ये आपको बाजार से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी 100 रुपीज़ के अंडर। फिर आपको कार्डबोर्ड पीसेस चाहिए होंगे, और फिर आपको ग्लू चाहिए होगी। मैं ये ग्लू यूज़ करूँगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्लू है, और ये हाफ kg पैकेट मुझे 130 रुपीज़ में मिल गया था। इस DIY वॉल आर्ट में बहुत सारी ग्लू यूज़ होगी, सो इसलिए मैंने पैकेट में परचेज़ कर ली थी। अगर आप में से कोई ग्लू की बॉटल परचेज़ करना चाहता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं पैकेट को सीजर से काट कर ग्लू को एक बड़े से जार में निकाल लूँगी ताकि मैं आसानी से अपनी DIY वॉल आर्ट में यूज़ कर सकूँ। सो गाइस, अब मैं कार्डबोर्ड ले लूँगी और उस पर ग्लू अप्लाई करूँगी थिक लेयर में। और अब मैं जूट रोप पर ग्लू लगाकर उसको सर्कल शेप दे दूंगी, और इसी तरह इसको रैप करती जाऊंगी फिंगर्स की मदद से। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पर कैसे बना रही हूं। अब आपने उस सर्कल को ग्लू के ऊपर स्टिक कर देना है। जूट रोप को इसी तरह सर्कल शेप में जो है आप कार्डबोर्ड पर लगाते जाएं। यहाँ आपको लगे कि जूट रोप को स्टिक होने में मसला हो रहा है तो आप कार्डबोर्ड पर भी ग्लू लगाएंगे और जूट रोप के ऊपर भी ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट लुक देती है। जहाँ आपको लगे कि सर्कल की विड्थ मैक्सिमम हो गई है वहाँ पर छोड़ दें। सीजर की मदद से जूट रोप को काट लें और कटे हुए हिस्से को ग्लू की मदद से सील कर दें। कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को सर्कल शेप में कट कर लें। और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दें। गाइस, मैं आपको कुछ पीसेस दिखाती हूँ जो कि मैंने पहले से बनाए हुए थे। इनको मैंने ओवरनाइट ड्राई कर लिया था। मैंने इसी तरह कार्डबोर्ड को छोटी और बड़ी शेप्स में काट लिया था, और जूट रोप को ग्लू से अप्लाई कर लिया था और ओवरनाइट ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इन पर सिल्वर स्प्रे पेंट करूँगी। आप स्टेशनरी शॉप्स से स्प्रे पेंट परचेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। ये 200 से 250 की रेंज में अवेलेबल है मार्केट में। स्प्रे पेंट करने से पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिएगा और फिर स्प्रे पेंट करिएगा। इन सभी पीसेस को मैं एक एक करके स्प्रे पेंट लगा दूंगी। Thank you.
सो गाइज दिस इज फाइनली डन। अब ये ड्राई होने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएंगे। गाइज मैंने कार्डबोर्ड का एक रेक्टेंगुलर शेप में बड़ा सा पीस काट लिया था और ग्लू की मदद से इन सभी सर्कल्स को इसके ऊपर अटैच कर दिया था ताकि ये एक शेप में आ जाएं। फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं कार्डबोर्ड के जो हिस्से ब्राउन नजर आ रहे हैं उन पर भी स्प्रे पेंट कर दूंगी ताकि ये एक जैसा नजर आए। तो गाइस स्प्रे पेंट इज फाइनली डन एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस आर्ट पीस इज लुकिंग। आप ये अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, डाइनिंग रूम में लगा सकते हैं या अपने रूम में लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये आपने खुद बनाया है। सब यही समझेंगे कि ये आपने मार्केट से परचेज किया है। इट लुक सो एक्सपेंसिव। सिर्फ कुछ ही इन एक्सपेंसिव आइटम की मदद से आप ये ब्यूटीफुल आर्ट पीस बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आर्ट पीस पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स। ऑल्सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल टू ऑल्सो यू डोंट मिस एन अपडेट एनी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शोइंग सपोर्ट। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।